नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो से जुड़े रहिए और शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एन ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम। चार यहाँ पे नाम दिए गए हैं, उन चारों में से कौन सा एक ऑर्गन है जो कि इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यानी इम्यून सिस्टम का ऑर्गन नहीं है। तो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, अगर इसका नाम याद होगा आपको तो आप बहुत जल्दी ही इसका आंसर चूज कर लेंगे। पहला ऑप्शन है स्प्लीन, दूसरा थाइमस, तीसरा लिम्फ नोड और चौथा है पैनक्रियाज। तो स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड ये तीनों जो हैं इम्यून सिस्टम के ऑर्गन हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि पैनक्रियाज हमारा इम्यून सिस्टम का ऑर्गन नहीं है। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, और वो क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है एक हेटरोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी कि एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करता है। एक्जोक्राइन ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड को साथ में हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, यानी कि ये क्या है, पैनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड की तरह काम करता है। ये एंजाइम्स भी सिक्रेट करेगा और ये हमारा क्या है, हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पैनक्रियाज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फास्ट स्टैंड फॉर टू एसिस स्ट्रोक, यानी FAST जो है उसका क्या मतलब है स्ट्रोक को एक्सेस करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा फिंगर्स, आर्म्स, स्टमक, टोज। सेकंड ऑप्शन है फास्ट एक्टिंग स्ट्रोक थ्रोम्बोलाइसिस। थर्ड ऑप्शन है फेस, आर्म्स, स्पीच एंड टाइम। फोर्थ ऑप्शन हमारा है ए एंड बी। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, फेस, आर्म्स, स्पीच और टाइम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच लोकेशन डज पेन टेंड टू प्रीडोमिनेट इन अपेंडिसाइटिस एज सिस्टम्स वर्सन, यानी अपेंडिसाइटिस में क्या होता है कि दर्द होता है, तो वो सेंटर से हमारे अम्ब्लाइकस से दर्द शुरू होता है, पूरा एकदम पेट में बीच में दर्द होगा फिर साइड में होगा। तो वही कह रहे हैं कि जैसे जैसे अपेंडिसाइटिस जो है वो एकदम उसके सिम्टम्स जो हैं, लक्षण जो है वो ज़्यादा होते जाएंगे, बहुत बेकार स्थिति में हो जाएगा आपका ये बीमारी, तो ज़्यादा दिन बाद जो है ये दर्द कहाँ तक पहुँच जाएगा, कहाँ पे प्रीडोमिनेट कर जाएगा। तो पहला ऑप्शन है लेफ्ट इलियक फोसा, सेकंड ऑप्शन है राइट इलियक फोसा, थर्ड ऑप्शन है एपिगैस्ट्रियम एंड फोर्थ ऑप्शन है राइट अपर क्वाड्रेंट। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि राइट इलियक फोसा में। राइट इलियक फोसा हमारा कहाँ है, लोअर एब्डोमेन में है और राइट साइड में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा RII, यानी राइट इलियक फोसा, ठीक है, RIF, राइट इलियक फोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, व्हाट इज़ द साइट फॉर CSF स्पेसिमेन कलेक्शन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ होता है, सबसे पहले ये याद करिए। तो सब एरेक्नोइड स्पेस में होता है। अब हमारा क्या है कि स्पेसिमेन कलेक्शन करना है, यानी CSF कलेक्शन करना है लंबर पंक्चर के थ्रू, तो ये स्पेशली लंबर रीजन में होगा। लंबर पंक्चर आपने सुना होगा, तो लंबर पंक्चर करके ही तो CSF को कलेक्ट करते हैं, और CSF जो है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जाता है। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसके जाँच के लिए हमें CSF कलेक्शन करना और उसके जाँच को भेजना बहुत ज़रूरी है। तो पहला ऑप्शन है L3, L4 और L4, L5 इंटर स्पेस इंसर्शन। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है डॉर्सल वर्टिब्रल इंटर स्पेस इंसर्शन, सर्वाइकल इंटर स्पेस इंसर्शन। नेक्स्ट हमारा है सैक्रो इंटर स्पेस इंसर्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा L3, L4 और L4, L5 इंटर स्पेस इंसर्शन। यहाँ पे सैक्रो इलियक इंटर स्पेस इंसर्शन होगा नहीं, सर्वाइकल इंटर स्पेस इंसर्शन होगा नहीं, डॉर्सल वर्टिब्रल इंटर स्पेस इंसर्शन होगा नहीं, तो लंबर रीजन हमारा कौन सा हो गया, ये ऑप्शन वाला, यानी L3, L4 और L5 ये सब लंबर रीजन है। लंबर रीजन में मेनली आपके L1 to L5, यानी L1, L2, L3, L4, L5 ये पांच होते हैं, और इन पांचों में मेनली जो कंसीडर किया जाता है CSF कलेक्शन के लिए जो साइट है वो आपका L3 to L5 मेनली किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलसिस्टाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ विच ऑर्गन, यानी कि कॉलसिस्टाइटिस जो है वो किस ऑर्गन के इन्फ्लामेशन को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है गॉल ब्लैडर, दूसरा है पेनक्रियाज, तीसरा है लीवर और चौथा है स्टमक। तो राइट आंसर होगा आपका गॉल ब्लैडर, यानी पित्ताशय की थैली को, यानी पित्त की थैली का जब इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम लोग कॉलसिस्टाइटिस कहते हैं।
और जब इसमें स्टोन हो जाए तो उसे कोलेलिथियासिस कहते हैं, और जब इसकी सर्जरी की जाती है और इसे रिमूव किया जाता है तो इसे कोलसिस्टेक्टमी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि गॉल ब्लैडर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉमिटिंग ब्लड इज नॉन एज, यानी कि जब हमारी उल्टी होती है तो उसमें अगर खून आने लगे तो उन दोनों को साथ में क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा हिमोटाइसिस, दूसरा है हिमेटमेसिस, तीसरा है मेलेना और चौथा है हिमाटोकेजिया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है सेकेंड ऑप्शन, यानी कि हिमेटमेसिस। अगर हमारे उल्टी के साथ खून भी आए तो उसे हम लोग हिमेटमेसिस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज लिस्ट कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। पहला है पेशेंट विद एन इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर, सेकेंड ऑप्शन है मैन, थर्ड ऑप्शन है वीमेन, चौथा ऑप्शन है पेशेंट्स विद कोमॉर्बिडिटीज। यानी कि यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन किस में बहुत ज़्यादा ही होता है, तो ये हमारा क्या फीमेल में, लेकिन किस में बहुत कम होता है, रेयर है, यानी कि लिस्ट है, बहुत ही कम होता है किसी को, तो वो कौन सा ग्रुप है। तो इसमें हमारे क्या हैं, तो मैन है, क्योंकि उनका यूरेथ्रा लॉन्ग होता है और फीमेल का यूरेथ्रा जो है शॉर्ट होता है, इसी के चलते उनको जो है बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्शन होने की चांसेज होती हैं। तो जो सबसे लिस्ट कॉमन ग्रुप है वो हमारा कौन है, जिसको यूटीआई कम होता है, वो हमारा मैन है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल मीनिंग ऑफ कॉर्पस इज, यानी कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है। तो पहला एब्डोमेन, दूसरा बॉडी, तीसरा चेस्ट और चौथा है हेड। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि बॉडी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म फॉर एन एबनॉर्मली लो वाइट ब्लड सेल्स काउंट, यानी कि जब हमारे बॉडी में WBC कम हो जाएगा, ठीक है, तो उसे कौन सा वर्ड जो है, कौन सा टर्म जो है वो देते हैं। पहला है एनीमिया, दूसरा है ल्यूकेमिया, तीसरा है ल्यूकोपेनिया और चौथा है ल्यूकोपीखिया। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि ल्यूकोपेनिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनार्क रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी मेनार्क जो होता है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या है। पहला है ए बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा है एंड ऑफ चाइल्डहुड और चौथा है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। तो इसमें जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, क्योंकि जो पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो पहली बार मेंसेस आता है, उसे मेनार्क कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म फॉर एबनॉर्मली लार्ज ब्रेस्ट इन मैन, यानी कि महिलाओं का तो ब्रेस्ट लार्ज होना वो कॉमन है, क्योंकि मेमरी ग्लैंड जो उन लोग में इनलार्जमेंट होता है वो मेनली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए होता है, लेकिन मैन में, पुरुषों में अगर ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो, साइज बढ़ने लगे, तो वो कुछ हार्मोनल इश्यू के कारण होता है। और इस एबनॉर्मल लार्ज ब्रेस्ट को एक टर्म देते हैं, उस टर्म का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है गाइनिकोमैनिया, दूसरा गाइनिकोमेस्टिया, तीसरा गाइनीफोबिया और चौथा है गाइनोप्लास्टिक्स। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि गाइनिकोमेस्टिया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स ड्रेनेज फ्रॉम द नोज, यानी हमारे नाक से जब ड्रेनेज हो, नाक से कुछ ना कुछ निकलते रहे सिक्रीशन, तो उसे एक टर्म देते हैं, वो टर्म का नाम क्या है। पहला है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो पहला ऑप्शन है राइनोमाइकोसिस, दूसरा राइनोफाइमा, तीसरा राइनोरेफी और चौथा है राइनोरिया। पहला क्या है, तो राइनोमाइकोसिस, दूसरा राइनोफाइमा, तीसरा राइनोरेफी, चौथा है राइनोरिया। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि राइनोरिया, जिसे कि ड्रेनेज फ्रॉम द नोज कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट्स कंप्लेन ऑफ पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स विल बी डॉक्यूमेंटेड इन द मेडिकल रिकॉर्ड एज, यानी अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम में दर्द हो, यानी मासिक धर्म जब हो, यानी जब मेंसेस हो, तो उस टाइम में काफ़ी दर्द होने, काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो, तो उसे क्या नाम से डॉक्यूमेंट करते हैं, रिकॉर्ड किस नाम से करते हैं। तो पहला है डिसमेनोरियल, दूसरा है मेनोरेजिया, तीसरा है मेनोरिया और चौथा है मेट्रोरेजिया। तो इसको किस नाम से करते हैं, तो पहला है डिसमेनोरियल। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि डिसमेनोरियल, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है, दर्द होने लगता है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेज रिफर्स टू ईटिंग, यानी कि ईटिंग के लिए, जैसे कि सर्जिकल रिमूवल के लिए क्या यूज करते हैं, तो जैसे क्रैनियोटमी कर रहे हैं तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ क्रैनियम, लोबेक्टमी कर रहे हैं तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ लोब्स, मायोमेक्टमी कर रहे हैं तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रिन फिब्रॉइड। तो क्या होता है कि इसी तरीके से सफिक्स यूज होते हैं। तो ईटिंग के लिए जो यूज होता है वो है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है फेजिया, दूसरा है फोनिया, तीसरा है प्लेगिया, चौथा है फेजिया। तो मेनली राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन, यानी कि फेजिया। जैसे आपने सुना होगा पॉलीफेजिया, यानी बहुत ज़्यादा ही भूख लगना, तो फेजिया ईटिंग के लिए जो है सफिक्स यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू पेन, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि दर्द के लिए यूज किया जाता है। पहला है डिप्लोपिया, दूसरा अर्थ्रैल्जिया, तीसरा डिस्प्लेसिया, चौथा हेमिप्लेगिया। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि अर्थ्रैल्जिया, यानी कि जॉइंट्स में दर्द होना। एल्जिया का मतलब पेन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन फॉर एफेजिया, यानी एफेजिया का मतलब क्या होता है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला एक्सट्रीम थर्स्ट, दूसरा इनएबिलिटी टू हियर, दूसरा इनएबिलिटी टू स्वेलो, और चौथा है हमारा लॉस ऑफ हेयर। यानी कि हमारा राइट आंसर होगा इनएबिलिटी टू स्वेलो, जिसका मतलब होता है एफेजिया। ठीक है, एफेजिया क्या है, इनएबिलिटी टू स्वेलो। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ एस इज़ ए स्टैंडर्ड एब्रेविएशन फोर, यानी ओ एस का मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन लेफ्ट आई, दूसरा ऑप्शन राइट आई, तीसरा ऑप्शन लेफ्ट ईयर, और चौथा है राइट ईयर। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि लेफ्ट आई। जब जो है डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ ड्रॉप्स देते हैं जो कि आँख में डालने होते हैं, वो ओ एस और ओ डी करके वहाँ पर एब्रेविएट करते हैं, नाम डालते हैं। तो ओ एस अगर कहें तो आपको लेफ्ट आई में डालना है, और ओ डी कहें तो राइट आई में डालना है। तो ये आप क्लियर रख लीजिए दिमाग में और इसे याद कर लीजिए, ओ एस दिया हो तो बाईं आँख में, और ओ डी दिया हो तो दाईं आँख में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस टू टेक अ मेडिसिन पी सी मीन्स, तो अगर किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया, सॉरी डॉक्टर्स ने आपको कहा है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको ये जो दवा है वो पीसी में खाना है। ठीक है, पीसी का मतलब यहाँ क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है एट बेड टाइम, दूसरा ऑप्शन है बिफोर मील्स, तीसरा है आफ्टर मील्स, चौथा है एवरी मॉर्निंग। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि आफ्टर मील, खाने के बाद। यानी पीसी का मतलब क्या होता है, आफ्टर मील, खाने के बाद आपको दवाई खानी होगी, तो डॉक्टर लिखेंगे पीसी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, के इज़ द सिंबल फोर, यानी के का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए के लिखते हैं। पहला है बैरियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है आयरन, और चौथा है पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पोटेशियम। के जो है मेनली पोटेशियम को डिनोट करने के लिए लिखा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसीडर इन विच साइनोवियल फ्लूइड इज रिमूव्ड फॉर एनालिसिस, ये कौन सा प्रोसीडर है जिसमें कि साइनोवियल फ्लूइड को निकाला जाता है जांच के लिए। तो पहला है एफेरेसिस, दूसरा है एथेरोसेंटेसिस, तीसरा है एर्थरोग्राफी, चौथा है एर्थरोस्कोपी। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि एर्थरोसेंटेसिस। एर्थरोसेंटेसिस में साइनोवियल फ्लूइड को रिमूव करते हैं, निकालते हैं एनालिसिस के पर्पज़ से, जांच के पर्पज़ से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडर इज इंडिकेटेड व्हेन एन एबनॉर्मल ग्रोथ इज आइडेंटिफाइड ऑन बेरियम एनिमा एक्सरे स्टडी, जब बेरियम एनिमा एक्सरे स्टडी किया जाता है तो किस, मतलब आपको किस जांच से जो है ये एबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो पता चलेगा, क्या करना होता है। तो पहला इसमें ऑप्शन है एर्थरोस्कोपी, दूसरा है ब्रोंकोस्कोपी, तीसरा है कोलोनोस्कोपी, और चौथा है सिस्टोस्कोपी। तो कौन सा प्रोसीडर है, तो कोलोनोस्कोपी है। ठीक है, ये प्रोसीडर है जो कि इंडिकेट करता है आपका एबनॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, गुड एपेटाइट विद वेट लॉस एंड ब्लर्ड विजन आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ, यानी कि बहुत ज़्यादा ही प्यास लगना, बहुत ज़्यादा ही यूरिन लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना लेकिन वजन कम होना, और आँख से धुंधला दिखना, ये किसका लक्षण है। तो पहला ऑप्शन डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा गाउट, तीसरा हाइपोथायरोडिज्म, चौथा मेरेस्मस। तो राइट आंसर होगा डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि इसी में पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, ये तीन मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ
केम इन टू फोर्स इन द ईयर, यानी कि जब रजिस्ट्रेशन कब से मतलब शुरू हुआ आपका जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनना, क्योंकि पहले तो ऐसे ही लोग मर जाते थे, जन्म लेते थे, कुछ ऐसे डाटा नहीं था, लेकिन अब जो है ये सब होते हैं। तो इसका आप महत्व समझते होंगे कि आखिर ये क्यों किया जाता है। क्या आप जानते हैं ये क्यों किया जाता है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जी रहे हैं, इसका क्या ज़रूरत है? तो हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है। तो मेनली इसका आप बताइए कि ये एक्ट कब आया था। तो ये एक्ट कब आया था हमारे यहाँ पे, तो चारों ऑप्शन में से देखते हैं। पहला है 1967, दूसरा 1969, तीसरा 1971 और चौथा है 1977। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 1969। 1969 में ये एक्ट बनाने का मेन महत्व क्या था, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जी रहे हैं, यानी कितने बच्चे जन्म लिए हैं और कितने लोग का डेथ हुआ है। तो ये जो है आपका जितने लोग का डेथ हुआ है उसे जो है हमारे जितना भी हमारा संख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें से माइनस कर देंगे तो एग्जैक्ट जितने लोग अभी हैं जो जी रहे हैं यहाँ पे हैं हमारे देश में उनका नंबर पता चल जाएगा, और जितने लोग जन्म लिए हैं उनका भी ऐड हो जाएगा। तो इससे जो है एक्चुअल संख्या पता चल जाता है कि हमारे यहाँ पे हमारे देश में कितना पॉपुलेशन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन इज़ द मिनट स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, यानी नेफ्रॉन किसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है और किसका एकदम छोटा सा यूनिट है। तो पहला ऑप्शन है यूरिनरी, दूसरा सर्कुलेटरी, तीसरा है डाइजेस्टिव और चौथा है रेस्पिरेटरी। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि यूरिनरी सिस्टम का ये जो है मिनट स्ट्रक्चर है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर है। यूरिनरी में भी जो किडनी होता है, किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है नेफ्रॉन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन होंगे फिर लास्ट करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो हमारा क्वेश्चन जो है, वैक्सीन यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऊपिंग कफ इज, ऊपिंग कफ को पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, और ऊपिंग कफ के लिए जो वैक्सीन है उसका नाम है, पहला ऑप्शन है BCG, दूसरा OPV और तीसरा DPT और चौथा है DT। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि DPT। DPT वैक्सीनेशन से हम लोग ऊपिंग कफ को यानी पर्ट्यूसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एड्स कॉज वाज रिपोर्टेड इन न्यूयॉर्क इन, यानी पहला जो एड्स का केस है, सॉरी कॉज नहीं केस, पहला जो एड्स का केस है वो फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क में किस ईयर में पता चला था, रिपोर्ट हुई थी। तो पहला ऑप्शन 1971, दूसरा 1981, तीसरा 1991 और चौथा 1961। तो राइट आंसर होगा 1981, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्यूलोसिस इज कॉज्ड बाय, तो ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी नामक बीमारी किसके द्वारा होती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा माइकोबैक्टीरियम, दूसरा सेल्मोनेला और तीसरा स्टेफाइलोकोकस और चौथा है विब्रियो। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि माइकोबैक्टीरियम। टीबी किसके द्वारा होता है, तो माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। तो इसी तरह से अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल से बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और सभी बच्चों को भी पढ़ने में हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।